रहीम, आज जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है एलिमेंट का, उसके एक इंतहाई अहम पार्ट की तरफ जाने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट चैप्टर से एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन। एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन का मतलब हुआ कि किसी की मौत के बाद, किसी प्यारे की मौत के बाद उसको प्रॉब्लम आती है, तकलीफ होती है, तो इस रूब्रिक को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे सब रूब्रिक्स भी हैं। किसी की डेथ हो जाने की वजह से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या हो जाए, बहुत सारे मरीज हमें आके ये बताते हैं कि मेरे माँ की डेथ होगी, बहन की डेथ हुई, भाई की डेथ हुई, मामू की डेथ हुई, चचा आजाद की डेथ हुई, तो उसके बाद से ये मुझे मसले आ रहे हैं। तो वहां पे हम रूब्रिक इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन। अब इसके आगे सब रूब्रिक्स भी हैं। तो जब भी कोई डेथ वाला केस आता है कि डेथ होने की वजह से तकलीफ होती है, तो हमारे डॉक्टर हजरात या जो लोग प्रिजाइड होके काम करते हैं, वो इग्निशिया और मैटर नेटरम म्योर की तरफ चले जाते हैं। हालांकि मैं बताता हूँ आपको, स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। एलिमेंट डेथ ऑफ लव्ड वन के अंदर हमारे पास 38 मेडिसिन पड़ी हुई है। अब ये केस टू केस वेरी करेगा कि कौन सी टोटलिटी पे कौन सी मेडिसिन हमारी सिलेक्ट होती है। जो हम दौड़ के भागते हैं इग्निशिया और नेट्रोमेर की तरफ, ये बिल्कुल गलत है। हनीमैन का कहना है कि फिजिशियन मस्ट बी अनप्रेजुडाइस। अनप्रेजुडाइस का क्या मतलब है कि हम पहले से किसी भी दवा का सीन या तयन अपने जहन के अंदर बिल्कुल ना करें। पहले हम केस टेकिंग करें, पूरे केस को सुने, पेशेंट को सुने और पूरी बात सुने और उसको रेप्टराइज करें प्रॉपर तरीके से। फिर आफ्टर रेप्टराइजेशन जो मेडिसिन सामने आएगी वो हमारी मेडिसिन होगी। तो इसके लिए प्रायोरिटाइज नहीं होना बिल्कुल, जैसे प्रायोरिटाइज होकर लोग इग्निशिया और नेट्रोम्योर देते हैं। तो आप देखें इसके अंदर 38 मेडिसिन पड़ी हुई हैं, तो आप दो को क्यों बीच में से निकाल के दे रहे हैं, वो बाकी 36 का क्या कसूर है उसमें। अब ये जो है आइंदा प्रॉपर कोशिश करें कि इसको प्रॉपर तरीके से यूज करें। और बकायदा ये रूब्रिक है, इसके अंदर 38 मेडिसिन है। अब इसमें जो है बोल्ड मेडिसिन में आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, एकोनाइट, आर्सेनिक, लैक्सीज, इग्निशिया, ओपियम, फास्फोरिक एसिड, स्टेफिसिगेरिया और वनीला। ये बोल्ड मेडिसिन है, यानी ग्रेड वन की मेडिसिन है। और ग्रेड सेकंड ग्रेड की मेडिसिन इसमें एम्ब्रा, आरम्य और नैट्रिकम और कालीब्रोम है। और इसके अलावा भी बाकी मेडिसिन है, वो थर्ड ग्रेड है। तो ये टोटल 38 मेडिसिन इस एक रूब्रिक के अंदर पड़ी हुई हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अनप्रेजुडाइज रहते हुए जो भी केस आता है उसको सॉल्व करें और अच्छे तरीके से आपका केस सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं इस के सब रूब्रिक्स की तरफ, मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। पहला रूब्रिक है हमारे पास एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके प्यारे की, किसी भी जिसको आप प्यार करते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो उस पे हम रूब्रिक लेते हैं एलिमेंट डेथ ऑफ लव्ड वन। फिर नेक्स्ट रूब्रिक है हमारे पास एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन ऑफ अ चाइल्ड। आज मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूं। यहां पे रूब्रिक को पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, रूब्रिक को कैसे पढ़ते हैं।
माइंड चैप्टर हो गया आपका, एलिमेंट फ्रॉम आपका मेन हेडिंग हो गया कि जिस चीज से तकलीफ हुई, ये कैपिटल फॉर्म में होगा। डेथ ऑफ लव्ड वन, ये पूरा आपका जो है रूब्रिक का हेडिंग है, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन। ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की डेथ होने के बाद तकलीफ हुई। अब रूब्रिक को पढ़ने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूं। जो कैपिटल हरूफ हैं उनको आप पहले पढ़ेंगे। अब इस रूब्रिक के अंदर कैपिटल हरूफ कौन से हैं, एलिमेंट फ्रॉम, फिर उसके बाद दो डैश के अंदर, ये एक डैश और ये दूसरी डैश, इसके अंदर जो लफ्ज हैं वो पढ़े जाएंगे, डेथ ऑफ लव्ड वंस, फिर उसके बाद सेमी कॉलन से के बाद के जो लफ्ज हैं वो पढ़े जाएंगे, ऑफा, फिर सेमी कॉलन से जो पहले का लफ्ज है डैश और सेमी कॉलन के दौरान वो पढ़े जाएगा, चाइल्ड। अब इस रूब्रिक को कैसे पूरा पढ़ेंगे, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन ऑफ अ चाइल्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी को उसके बच्चे की मौत के बाद जो प्रॉब्लम हुई, मिसाल के तौर पर बीपी आई रहना शुरू हो गया, जो भी मसला हुआ, पेशेंट बता रहा है कि जब से मेरे बच्चे की डेथ हुई उसके बाद ये मुझे प्रॉब्लम आई है, तो हम रूब्रिक लेंगे एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन ऑफ अ चाइल्ड। आगे हमारे पास नेक्स्ट रूब्रिक है, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन इन चिल्ड्रन। अब देखें ऑफ अ चाइल्ड और इन चिल्ड्रन में डिफरेंस है, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन इन चिल्ड्रन। अब कोई बच्चा है, उसका कोई प्यारा फोत हो गया है, तो उस बच्चे को जो तकलीफ हुई है उस प्यारे के फोत होने की वजह से, उसकी डेथ होने की वजह से, तो उसमें ये बच्चों में के अंदर ये रूब्रिक लेंगे। अगर बच्चे को उससे प्रॉब्लम होती है तो ये बच्चों के अंदर ये रूब्रिक इस्तेमाल होगा, एलिमेंट डेथ ऑफ लव्ड वन इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमारा रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन पेरेंट्स और फ्रेंड, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन ऑफ पेरेंट्स और फ्रेंड। अब जो है पेरेंट्स में से कोई हो जो जिसकी डेथ हुई हो या फ्रेंड्स में से हो, तो आप दोनों सूरतों में इस रूब्रिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन ऑफ मदर। अब किसी की अगर मां फोत हो जाती है तो उसके बाद उसको तकलीफ होती है, तो उसमें हमारे पास सिंगल मेडिसिन पड़ी हुई है, ऑरोम्योर नाइट्रिकम, ये रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन पेरेंट्स और फ्रेंड्स ऑफ मदर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ ऑरोम्योर नाइट्रिकम पड़ी हुई है, ये मेन हेडिंग है रूब्रिक का, ये इसके सब रूब्रिक्स होते हैं, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन ऑफ मदर। अब मदर जो फोत हुई है तो उसके अंदर हमारे पास एक मेडिसिन है ऑरोम्योर नाइट्रिकम। तो आज हमने जो है एलिमेंट के चैप्टर से जो इतनी अहम पॉइंट था डेथ ऑफ डेथ की, जो अक्सर लोग हमारे से आके बात करते हैं कि मेरा फलां अजीज फोत हुआ तो उसके बाद मुझे ये तकलीफ हो गई, मेरी माँ फोत हुई, मेरा बाप, भाई, बहन, किसी का भी जिक्र कर सकते हैं, तो हम सिर्फ इग्निशिया और नेटरम्योर की तरफ चले जाते थे। तो अब आप ख्याल करिएगा कि आप प्रॉपर केस को एनालाइज करें, प्रॉपर रूब्रिक्स को यूज करें, तो बहुत आसानी से आपके केस निकलने शुरू हो जाएंगे। ये छोटे छोटे चीजें हैं जिनको आप इकट्ठा करके ना आप पूरा एक केस सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस का जो है रूब्रिक, इसको हमने आज किया। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट के चैप्टर से रूब्रिक्स रह गए हैं वो नेक्स्ट हम करेंगे, और उसके बाद जो है हम फिर इसके नेक्स्ट किसी चैप्टर पे शिफ्ट होंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो इसलिए जरूरी है आपको अनप्रेजुडाइज रह के काम करना है, ताकि अच्छे तरीके से आपके केस सॉल्व हों, आप उसको जहां प्रेजेंट करें तो आप बताने के काबिल हों कि ये मैंने चीज क्यों ली है, क्यों छोड़ी है, और इसकी लेने की वजह क्या थी, जिस चीज को मैंने छोड़ा उसको क्यों छोड़ा। ये जब आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रूब्रिक लेके केस सॉल्व करेंगे
तो आप जहां भी जिस फोरम पे भी आप केस को प्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए केस को एक्सप्लेन करना मुश्किल नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रूब्रिक्स के साथ आएंगे। थैंक यू।